उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। रामनगर विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पूर्व में नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद, बार काउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष, कुमाऊं विश्वविद्यालय अध्यक्ष सर्वोच्च पद पर रहे हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पूर्व बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने रामनगर विधानसभा में डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के पक्ष में क्षेत्रीय की जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही रंजीत रावत ने रामनगर की जनता को विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार प्रदेश में आती है तो हम सर्वप्रथम दिव्यांग पेंशन, नजूल भूमि पर मालिकाना हक जैसे कामों को जल्द से जल्द अंजाम देंगे। रामनगर से कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। ये विधानसभा 2022 के जो है कुछ ही दिन बाकी हैं, आप कितनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बोल रहे हैं बताइए। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रमों में जनसमूह आ रहा है और विचारधाराओं को छोड़कर, खास तौर पे भाजपा को छोड़कर लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि इस प्रदेश से भाजपा की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस की सरकार आरामदायक बहुमत से आ रही है। देते 10,000 रुपये रोल। आप कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी हैं, कितना जीत के लिए सुनिश्चित मानते हैं अपने को? 100%। कहाँ कहाँ जन संपर्क कर दिया है कुछ अपने आप भी बता दीजिए। पूरे ले पाठकोट से लेकर, छोई से लेकर, तिमगढ़ से लेकर, इधर ढेला से, ये मालदान सब जगह हुआ है। कुछ लोगों में आपको बाहरी प्रत्याशी मान रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे जो अंदर नहीं पहचानते वो बाहर क्या पहचान लगे। मेरा कहने का मतलब है 89 क्या हो तो बहुत बाद में पैदा वाले को कैसे पता लगेगा, है ना। 89 में मैं MP रहा, 2002 में रहा और 22 साल बाद मैं MLA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उसकी तो उम्र ही 18 साल की हुई होगी, 22 साल अब तय 24 25 साल या 30 साल भी हुई तो भी जब मैं MP रहा होगा तो 8-10 साल के रहे होंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, वन ग्राम के लिए कितना कार्य करने के लिए? वन ग्राम के लिए हमने पहले भी एक्ट उसमें रखवाया था, मैं 2003-04 में हमने खुद एक्ट बनवाया, उसमें पास हुआ बाद में 5-6 में पास हुआ एक्ट, और जिसमें हमने कहा कि गुज्जर और SC ST जो लॉन्ग डॉलर्स ऑफ द वहाँ रहने वाले खत्तू में, वन ग्रामों में, इनमें उनको रेगुलराइज होना चाहिए, ये हमने रूपरेखा तब भी रखी थी। स्टेट ने भी उसी एक्ट को आगे फॉलो करना है, स्टेट में उसको मॉडिफाई करके कोशिश करेंगे कि हर हालत में वन लोग रेगुलराइज हो, उनके नाम जमीन हो, भूमिधरी हो, वर्गचार की जमीन हो, वर्गकौ की जमीन हो, उनको हक हक मिले, लोगों को धरती में इस में कानून बनाने से ही हक मिलते हैं, कानून के जरिए ही होता है, और सारी धरती जो है ऊपर वाले की है और इसमें कानून बनाने से लोगों के नाम चढ़े। 1,000 के लगभग यहाँ विधानसभा में दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई योजना लाने का? दिव्यांग को हर हालत में सर्विस में रिजर्वेशन तो पहले भी हमने कराया था, अब और कराएंगे और हर हालत में उनको पेंशन की मात्रा बढ़ाएंगे जिससे कि उनकी गुजर मिनिमम पेंशन जैसे होता है, मिनिमम वेजेस जिसे होते हैं, उनको मिनिमम जो कम से कम उनके भरण पोषण का पूरा हो सके ऐसी पेंशन दिलाने की कोशिश करें।